SRF सिमी जी का ब्रेकआउट हुआ है अनिल जी, मेरा मानना है कि ये 2600 2650 की तैयारी हो रही है, 2518 पे ट्रेड कर रहा है अभी फ्यूचर्स में, 2500 के नीचे आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, 2600 2640 के टारगेट्स के लॉन्ग पोजीशंस बिल्कुल बनानी चाहिए। एमी ऑर्गेनिक्स जो कि अभी 1036 के लेवल पे ट्रेड करता है, ये कंपनी भारत की एक लीडिंग मैन्युफैक्चरर है स्पेशलिटी केमिकल्स की, फिर फार्मा सेक्टर के लिए एपीआईज बनाती है, माने न्यू केमिकल एंटिटीज के लिए एपीआईज बनाती है, फिर एग्रोकेमिकल्स में है और फाइन केमिकल्स में है, बहुत ही दमदार कंपनी है। इन्होंने अभी हाल ही में एक इनका अंकलेश्वर में नया प्लांट भी कमीशन किया है जिसका फायदा आने वाले दिनों में मिलेगा। बाकी ये अनिल जी, इस कंपनी ने एक नए सेगमेंट में फोरे किए हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स का सेगमेंट, जो कि एनर्जी स्टोरेज डिवाइस में काम आता है ये प्रोडक्ट, और दुनिया में या भारत में बहुत ही कम कंपनियां हैं जो इस तरह का काम करती है, और दुनिया की जो इसकी रिक्वायरमेंट है इलेक्ट्रोलाइट्स की वो चाइना फीड करती है, और ये कंपनी जो कि एक छोटी साइज की कंपनी है, और इस जो प्रोडक्ट है इसकी मार्केट साइज है $1 बिलियन की, जो कि ऐसे माना जा रहा है आने वाले 2 साल में वो डबल हो सकती है अपॉर्चुनिटी। तो इस तरह का एक ग्रोथ इस कंपनी से आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स बिल्कुल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बाकी अब फाइनेंशियल्स की बात करता हूँ, मार्च तिमाही बहुत अच्छी थी, 21 करोड़ का पैट था 15 करोड़ के सामने, पिछले साल 15 करोड़ था, एक जीरो डेट कंपनी है, FY21 में 135 करोड़ का डेट था जो कि FY22 में जीरो हो गया है, फिर FISDIs भी 7.85% स्टेक ओन करते हैं, और बाजार के दिग्गज निवेशक आशीष कचोलिया जी भी अराउंड 2.13% इस कंपनी में स्टेक ओन करते हैं। तो इसमें खरीदारी करने की सलाह, और मेरा इसमें शॉर्ट टर्म का टारगेट है ₹1100 का, स्टॉप लॉस रखना है ₹1020 का।